पे आप सभी का स्वागत है। जहांगीरपुर इलाके में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उस पर आपको पल पल की खबर बताते हैं, साथ ही बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला आगे जा रहा है और देश के लिए कितना घातक होते जा रहा है। देखिए, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया जिसको लेकर के सारे जो इन घुसपैठियों के मददगार हैं, जो इनको अपने लिए और इस देश के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सजग हो गए हैं। कुछ लोग कोर्ट की मैराथन दौड़ लगा रहे हैं, आज भी उस पर सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कुछ लोग पॉलिटिकल भाषणबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग ट्विटर पे, राहुल गांधी जैसे लोग जो हैं वो ट्विटर पे एक्टिव हो गए हैं। इधर अमानतुल्ला खान जो सबसे बड़ा गुनाहगार है, आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्ला खान जो सबसे बड़ा गुनाहगार है इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने के लिए, उनको सबसे पहले एक छोटा सा रहने का घर देता है, फिर बिजली मुहैया करवाता है और उसके मार्फत वो बिजली बिल उनको देता है। उस बिजली बिल के आधार पे वो राशन कार्ड उनको दिलवा देता है, राशन कार्ड के आधार पे वो आधार कार्ड दिलवा देता है और इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स उनके लिए इकट्ठा करते हुए उनके लिए वोटर आईडी कार्ड बनवाने की जो भरसक इसकी कवायद है कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, उस अमानतुल्ला खान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अमानतुल्ला खान अब रमज़ान की दुहाई दे रहा है, बोल रहा है अमानतुल्ला खान कि रमज़ान के महीने में जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। अरे अमानतुल्ला खान, तुमको शर्म नहीं आई जो रामनवमी के मौके पे, हनुमान जयंती के मौके के पे, चैत्र प्रतिपदा जो कि हिंदुओं के नववर्ष का मौका है, उस पे जिस तरह से मुसलमानों ने पूरे देश में 7 राज्य 27 जगह जिस तरह से पत्थरबाजी की गई और पूरे उस शोभा यात्रा को लहूलुहान किया गया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया था कि रामनवमी को किस तरह से ख़राब किया गया था? क्या इन जो ये जो लिबरल लोग हैं जो कि इस रोहिंग्या और घुसपैठियों की हिमायतगारी कर रहे हैं, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया था? देखिए किस तरह से रोना रो रहा है अमानतुल्ला खान। अब तक जो कुछ दिन पहले बोल रहा था आपको, फिरोज शाह कोटला का वो मंजर याद होगा जहां बोला था कि यहां कोई नमाज नहीं पढ़ने देगा, मैं देखता हूं कैसे नहीं नमाज पढ़ने देगा, यहां नमाज पढ़ी जाएगी। आज अमानतुल्ला खान रमज़ान की दुहाई देकर इन घुसपैठियों को जो देश के लिए घातक हैं उनकी हिमायतगिरी कर रहा है। सुनिए अमानतुल्ला खान को और खुद अपने विवेक से फैसला कीजिए कि आखिर इस तरह के विधायकों को अगर आप चुन के लाएंगे तो देश किस रसातल की तरफ जाएगा। आज जानकारी मिली है कि अमित शाह जी और बीजेपी दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो एमसीडी के जरिए जहांगीरपुरी में, जहां हाल ही में 2 दिन पहले दंगा हुआ, वहां पर वो इनक्रोचमेंट हटाने के नाम पर लोगों के मकान गिराना चाहते हैं। रमज़ान का महीना है और पूरे हिंदुस्तान का इस वक्त माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा भी गया और ज़्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि भाई आप पूरे मुल्क को इस वक्त आप फसाद में, आग में, फसाद की आग में तब्दील करना चाहते हो। अगर इनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई अगर आप करना चाहते हो वो लीगल है तो ये बाद में भी की जा सकती थी। ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि जहां पर कल परसों शोभा यात्रा के दौरान फसाद हुआ, दंगा हुआ, अभी गिरफ्तारियां चल रही हैं, फसाद की आग ठंडी भी नहीं हुई और आप वहां पर इनक्रोचमेंट के नाम पर जो है लोगों के घरों को गिराने का काम कर रहे हो, जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर किया, तो ये ठीक नहीं है, इससे माहौल ख़राब होगा। मैं अपील करना चाहता हूँ अमित शाह जी से और भाजपा के तमाम लीडरान से कि इस तरह की कार्रवाई से बाज आएं और इस पूरे हिंदुस्तान के माहौल को, खासकर दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। शुक्रिया। सुन लिया आपने, अरे अमानतुल्ला खान, तुम्हारे ही पार्टी से टूटे हुए कपिल मिश्रा जो कि अब फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो तुम्हारी रगो रग को जानते हैं। वो जानते हैं जब तुम नहीं आए थे उससे पहले कपिल मिश्रा केजरीवाल के साथ और अन्ना के साथ जुड़े हुए थे। उनका क्या कहना है? वो बोलते हैं कि ये बांग्लादेशी जो हैं वो किस तरह से उनको, ये जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल गैंग है, वो किस तरह से उनको संरक्षण देता है और किस तरह से इन बांग्लादेशियों को इस देश का नागरिक बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। उनकी बयान को सुनिए। वो क्योंकि भीतरी रग को जानते हैं ना, वो इसके पार्ट रह चुके हैं। गैर कानूनी धंधे करने वाले लोग हैं,
हाथों में पत्थर उठाने वाले जिहादी, इनके प्रदूषण से दिल्ली की मुक्ति होनी बहुत जरूरी है। ये जो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का इलाका है, ये जो कबाड़ी मार्केट है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ चल रहा है। अवैध कब्जा है, 5-5 मंजिल के जो मकान है सब गैर कानूनी है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ है। ये जो व्यक्ति अंसार पकड़ा गया है, सट्टा चलाना, गांजा, स्मैक, इलीगल पार्किंग, इस प्रकार के सारे अपराधी धंधे, इससे पहले ये आर्म्स एक्ट में अवैध हथियारों के साथ भी पकड़ा जा चुका है। इस प्रकार के लोगों के ऊपर कानून का बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आज ये जो कार्रवाई हो रही है, पूरी दिल्ली इस प्रकार की कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। जिस प्रकार की पत्थरबाजी, बम हमले, गोली बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा चलाई गई, हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहां तक कि पुलिस वालों तक के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है, आज का ये कार्रवाई बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली में न्याय, कानून और संविधान के राज को स्थापित करने के लिए निर्णायक साबित होगी। आपने तो, मैं भी ये कहती हूँ कि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए खतरा नहीं है, पूरे भारत के लिए खतरा है। सजग होने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है। देखिए, बार बार आपसे हर कोई अपील कर रहा है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। आम आदमी पार्टी से टूटे हुए लोग, चाहे वो कुमार विश्वास हों, चाहे आप कपिल मिश्रा हों, चाहे और अन्य लोग जो हैं, कई ऐसे लोग, वो बता रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी इस देश के लिए घातक होती जा रही है। सुनिए कपिल मिश्रा को, इस पूरे जहांगीरपुरी इलाके को लेकर के वो उनकी उनका जो अपना एनालिसिस है, जो जो आम आदमी पार्टी के साथ रहकर उनके स्ट्रैटजी को वो जानते हुए वो बयान दे रहे हैं कि किस तरह से ये रोहिंग्या जो हैं, वो घुसपैठिए जो हैं, वो देश के नहीं, वो हमारे देश के नहीं हैं, घुसपैठिए हैं, और वो हिंदुओं के नहीं, पूरे भारत के लिए खतरा है। इनके ऊपर बुलडोजर बहुत ज़रूरी है, वरना भारत कब नेस्तोनाबूद हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या का मामला ये कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये बात है हिंदुस्तान की। जहां भी ये लोग हैं, वहां ये कैंसर की तरह सोसाइटी को, समाज को खत्म कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये रोहिंग्या, ये अपराध बढ़ा रहे हैं, चैन स्नैचिंग, लूट, हत्या, बच्चों का अपहरण, नशे का कारोबार, ये सब ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए करते हैं। आज इनकी बस्ती में हनुमान जन्मोत्सव पे हमला हो गया, पुलिस वालों पे गोली चल गई, कहां से आ रही है इतनी हिम्मत इन घुसपैठियों में? सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े हैं इनके साथ, इनको बचाने के लिए। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारे बच्चों के लिए खतरा है ये घुसपैठिए। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर इस घुसपैठ के मुद्दे पर एक होना चाहिए। इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान पे हमला हो रहा है, मुसलमान के घर, जी नहीं, ये घुसपैठिए हैं, ये कैंसर है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए। इनका समाधान सबको मिलके करना होगा, सारे दिल्ली वालों को, देश के लोगों को एक होना होगा। ये हमारे आपके बच्चों की सुरक्षा का मामला है, ये हिंदुस्तान की सुरक्षा का मामला है। सुना आपने, तो मैं भी यही कहती हूँ, इस अपने विवेक से काम लीजिए। इस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही है, जिसमें जुडिशियरी सीधे सीधे इन्वॉल्व हो रहा है, और जुडिशियरी के रास्ते जाकर संविधान की दुहाई देते हुए कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की भरसक कोशिश की जा रही है, जिसमें राहुल गांधी से लेके केजरीवाल से लेके कम्युनिस्ट पार्टी सारे इन्वॉल्व हैं, और कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो लीनियंट नज़र आ रही है। अपने ही देश में हिंदुओं को बेगाना कर रहे हैं, उनको रिफ्यूजी जैसा महसूस करवा रहे हैं, और इन घुसपैठियों के लिए कानून व्यवस्था को निर्धारित करने की, उनके लिए संचालित करने की बातें की जा रही है। ये इससे बड़ी ज्यादती और इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए क्या होगा? जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इन विचारों पे आपके विचार जो हैं, इन मुद्दों पे आपके विचार मुखर होने बहुत ज़रूरी हैं, ज़रूर लिखिएगा, आपसे अपील है, क्योंकि ये मुखर आवाज़ जो है वो एकजुटता को दर्शाता है और बुलंद होता है, ये बुलंदी जो है वो देश रक्षा में काम आता है। जय हिंद, जय भारत।